देश भर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई गुंडागिरी और लफंगई को देखते हुए दो हफ्ते पहले हम लोगों ने एक सर्वे शुरू कराया था। 21 अप्रैल से ये सर्वे का काम शुरू किया था और इसमें हमने जनता से तीन सवाल पूछे थे कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे करवाती है, किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, और तीसरा कि किस पार्टी में शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। ये सर्वे हमने फ़ोन कॉल से, फील्ड सर्वे और कैटी सर्वे के रूप में कराया, तीनों तरीके से कराया। तो दो हफ्ते में इसमें बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। करीब 11.5 लाख लोगों से बात की इस सर्वे में हमने, और एग्जैक्टली देखें तो 11,54,231 लोगों से इस सर्वे में बात हुई, 11,54,231 लोगों से बात हुई। इसमें दिल्ली की जनता का सर्वे है ये, कि हमने पूछा था कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागिरी और दंगे कराती है। जनता बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में दंगे कराती है, भारतीय जनता पार्टी ही गुंडाई कराती है। 91% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी और दंगे कराती है। 8% लोगों ने कहा कांग्रेस और अदर्स 1% लोग। दूसरा सवाल था किस पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की छवि देखिए, 89% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं। 5% कांग्रेस, 2% आप और 4% अदर्स। तीसरा सवाल था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 73% लोगों ने कहा, कांग्रेस 15%, भारतीय जनता पार्टी 10% और अदर्स 2%। 73% आप, कांग्रेस 15%, बीजेपी 10%, अदर्स 2%। तो आज ये सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, कि इनको ना सरकार चलानी आती, ना इनको कोई काम करना आता, ना स्कूल की बात करनी आती, ना अस्पताल की बात करनी आती, ना रोज़गार की बात करनी आती, ना महंगाई पे कुछ करना आता, केवल गुंडई आती है। जहाँ भी इनको सत्ता मिलती है केवल और केवल गुंडई दिखाते हैं, गुंडई करते हैं सड़क पे उतर के, वो चाहे मुख्यमंत्री के घर पे चढ़ाव करना हो या आम आदमी के घर पे चढ़ाव करना हो, गुंडई के अलावा इनको कुछ नहीं आता, और उसी में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता भी इस बात को मानती है, 11,54,231 लोगों ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई एक गुंडागिरी की पार्टी है, अब वो जनता और सरकार की पार्टी नहीं है।